स्वागत है आपका आज के वन मिनट कैप्सूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। फ्लूइड अगर रेस्ट पर होता है तो उस पर मेनली दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक प्रेशर फोर्सेस और दूसरे बॉडी फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस में जैसे ग्रेविटी फोर्स एक एग्जांपल है बॉडी फोर्स का। बेसिकली बॉडी फोर्सेस वो होते हैं जो पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हों। तो अगर स्टैटिक है फ्लूइड तो सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ जेड जीरो होना चाहिए। अगर मैं इन फोर्सेस को बैलेंस करूं, जैसे मैंने यहाँ पर x में बैलेंस करके दिखाया है, तो मुझे ये तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस डेल बी बाई डेल वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, और माइनस डेल बी बाई डेल जेड प्लस बी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड बॉडी फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम है। इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, माइनस डेल बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मैं फिर से बता दूं, बी यहाँ पर बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, अब अगर ग्रेविटी एकमात्र बॉडी फोर्स प्रेजेंट हो तो एक्स और जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स बॉडी फोर्स का कॉम्पोनेंट नहीं होगा, और वाई डायरेक्शन में बी वाई हो जाएगा एम जी अपॉन वॉल्यूम, जिसे एम अपॉन वी को मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो ये तीनों इक्वेशंस बदल जाएंगी, डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी में। यहां से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि x और z डायरेक्शंस में प्रेशर वेरी नहीं करेगा, यानी किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेशर कांस्टेंट रहा करेगा। सारे पॉइंट्स पर प्रेशर का वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ करेगा, ठीक है। और यहां पर जो मैंने लीनियर वेरिएशन दिखाया है ये जरूरी नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच।